नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कस्टमर रिक्वेस्ट अपडेट केवाईसी फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपने देखा हो तो यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले डेट अपन को लिखनी है, जैसे आज की डेट। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कस्टमर नेम, तो यहाँ पर आपको कस्टमर नाम भरना है, कस्टमर नेम आशु कुमार। और उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको अकाउंट से जुड़े हुए नंबर यहाँ पर लिखने हैं, और यहाँ पर लिख रहे हैं अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद जो भी आपकी ब्रांच है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एड अपडेट पर्सनल डिटेल्स, इसमें ये पूछा जा रहा है कि आपको जिस डॉक्यूमेंट्स में इसकी KYC करवाना है उस डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पहले तो अपडेट KYC पर क्लिक करना है, उसके बाद जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जिस पे आप KYC करवाना चाहते हो, जैसे आधार कार्ड, तो यहाँ पर इसके क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नंबर आप आधार कार्ड के लिख देना है। फिलिप ऑफ इशू, इसमें आपको कुछ नहीं, आप जिस भी उस लिख रहे हो उसका नाम आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो भी इसमें डेट दिखाई दे रही है, जैसे मेरी डेट यहाँ पर ये है। फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पर अपने साइन करना है। साइन करने के बाद इसके पीछे आप अपना आधार कार्ड लगवाना ज़रूरी है। आधार कार्ड लगने के बाद आपको ये फॉर्म अपनी ब्रांच में जाके सबमिट करवाना है। तो गाइस, वो भी आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू दोस्तों।